Hi people, I hope you all are doing absolutely fine and welcome to the next lecture of Lean System and Innovation, that is a chapter number 3 of CA Final SCMPE. तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आप लोगों को हाईलाइट भी करवाए थे कुछ कीवर्ड्स। ये जो मेरे वीडियोस हैं ना, ये थियोरेटिकल पार्ट जो है कोस्टिंग का, उसको कवर करेंगे, उसके एक्सप्लेनेशन को। एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि आप लोगों को लर्न भी हो जाए। ओके, तो लीन सिस्टम की डेफिनेशन जो हम लोगों ने डिस्कस की थी, तो मैंने उसमें आपको तीन कीवर्ड्स याद कराए थे, फटाफट से उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला तो ये कि लीन सिस्टम एक ऑर्गेनाइज्ड मेथड है। इसका ऑब्जेक्टिव रहता है वेस्ट को मिनिमाइज करना बिना प्रोडक्टिविटी को सेक्रीफाइस करे लीन अ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। फिर इसके बाद में हम लोगों ने वेस्ट के बारे में पता किया था, दैट व्हाट इज वेस्ट। तो वेस्ट कोई भी ऐसा स्टेप या कोई भी ऐसा एक्शन होता है प्रोडक्शन के प्रोसेस में जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो इसको कह सकते हैं कि एक नॉन वैल्यू एडिंग स्टेप या फिर एक्शन होता है। ठीक है, तो हमारा टारगेट ये रहता है, हम लीन सिस्टम इसलिए लेकर आते हैं कि जो भी वेस्ट है, जो भी नॉट रिक्वायर्ड स्टेप है टू कंप्लीट द प्रोसेस, उसको हम क्या कर सके, उसको हम मिनिमाइज कर सके। देन वी डिस्कस द सेवन टाइप्स ऑफ वेस्ट, एंड जो सेवन टाइप्स ऑफ वेस्ट हैं, तो उसको याद करने के लिए एक निमोनिक कह सकते हो आप। तो ये जो कीवर्ड है, सॉरी नॉट कीवर्ड, ये जो निमोनिक है, इससे आपको ये सारे के सारे सेवन वेस्ट याद हो जाएंगे। दैट इज टिम वुड। तो टी का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन, आई का मतलब है इन्वेंट्री, एम का मतलब है मोशन वेटिंग, देन योर ओवर प्रोडक्शन, ओवर प्रोसेसिंग एंड डिफेक्ट्स। तो ये जो भी सेवन वेस्ट हैं, इनको हमें क्या करना है, इनको हमें लीन सिस्टम को लगा करके मिनिमाइज करना है बिना प्रोडक्टिविटी को सेक्रीफाइस करें। राइट, इसके बारे में हम लोगों ने, ये मैं फटाफट से बस आपको रिवाइज करा रही हूँ। अब हम लोगों को मेन जो है वो यहाँ से स्टार्ट करना है। तो हम लोग जो है लीन सिस्टम जो, तो लीन सिस्टम कंप्राइज जो करता है वो सिक्स टेक्निक्स को कंप्राइज करता है। ठीक है, तो ये वन बाय वन, ये जो भी डिटेल में हम लोग सारी की सारी टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप लोगों ने अपने पास्ट क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज किया होगा, तो आप लोगों ने देखा होगा कि न्यूमेरिकल के साथ में लोग छोटे छोटे से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस डाल देते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो लीन सिस्टम के, प्रिंसिपल्स बता दो लीन सिस्टम के। तो इसलिए हमको ना ये सारे के सारे पॉइंट्स भी याद करने हैं, क्योंकि अब कॉस्टिंग भी जो है, आप ये नहीं कह सकते कि इट इज़ प्योरली न्यूमेरिकल। इसमें 50% या उससे ज़्यादा जो है वो थियोरेटिकल एस्पेक्ट है, क्योंकि केस स्टडीज भी आती हैं एंड जो ये थ्योरी है इसी के बेसिस पर आपका न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो ये जस्ट कांट इग्नोर, एंड आपको हर चीज़ लर्न भी करनी है। ठीक है ना, तो टेक्निक्स जो है वो हम लोग बारी बारी सारी के सारे टेक्निक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जो कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, जैसे व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ लीन सिस्टम। तो प्रिंसिपल्स जो हैं वो चार प्रिंसिपल्स हैं। अब प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स आप कह सकते हो कि वो गाइडलाइंस होती हैं जिसको वो ध्यान में रखता है कोई भी सिस्टम, जो मतलब सिद्धांत। ओके, हिंदी में इसका वर्ड होता है सिद्धांत। सो दैट इज प्रिंसिपल्स, की उसके क्या सिद्धांत हैं जिसको वो फॉलो करता है अपने मतलब सिस्टम में। तो जो लीन सिस्टम है ना, वो इस बात को ध्यान में रखता है, इस सिद्धांत पे, इस प्रिंसिपल को फॉलो करता है कि वो परफेक्ट फर्स्ट टाइम क्वालिटी दे। ना, परफेक्ट फर्स्ट टाइम क्वालिटी किससे रिलेटेड है, जो आप लोगों ने लास्ट वीडियो में अगर देखा होगा, एक वेस्ट था आपका डिफेक्ट। ठीक है, तो अब होता क्या है कि जैसे कार की ही मैन्युफैक्चरिंग हो रही है सपोज, अब कार की मैन्युफैक्चरिंग में अगर एक पार्ट डिफेक्टिव है, ठीक है, अगर एक जो इतनी बड़ी एक प्रोडक्शन की चेन है उसमें अगर एक स्टेप पे कुछ डिफेक्ट आ गया, तो जो आपका फिनिश प्रोडक्ट बनेगा वो डिफेक्टिव होगा। सो दैट इज वाई जो लीन सिस्टम है ना, वो ये मेक श्योर करता है कि फर्स्ट टाइम में ही परफेक्ट क्वालिटी आए बिना किसी डिफेक्ट के। तो इस वाले प्रिंसिपल को अगर लीन सिस्टम लगा लेता है, तो वो जो डिफेक्ट वाला वेस्ट है उसको क्या कर देता है, उसको वो हटा देता है। ओके, देन वेस्ट मिनिमाइजेशन। तो ये तो आप लोग पढ़ ही रहे हो लीन सिस्टम की डेफिनेशन में कि किसको ध्यान में रखता है, ये ध्यान में रखता है कि जो भी वेस्ट हो रही हैं जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो जो भी वेस्ट हो रही हैं, जो भी नॉन वैल्यू एडिंग स्टेप्स या एक्शंस हो रहे हैं प्रोसेस के अंदर, उसको क्या कर दो, उसको मिनिमाइज कर दो। ठीक है, देन कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। अब जो लीन सिस्टम है ना,
वो अभी आप पढ़ोगे अलग अलग टेक्निक्स में, छोटे छोटे चंक्स को लेके हम चलते हैं। अब छोटे छोटे चंक्स को लेकर चलते हैं तो ऐसा नहीं होता कि एक बार प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया तो हमें एंड में आके ही गलती पता लग रही है। हमें थ्रू आउट द प्रोसेस गलतियाँ पता लगती रहती हैं, हमें थ्रू आउट द प्रोसेस ये पता लगता रहता है कि क्या वीकनेसेस हैं। अभी आप टेक्निक्स पढ़ोगे तो यू विल रियलाइज दिस। सो दैट इज़ वाई आप कह सकते हो कि जो लीन सिस्टम है ना, उसका एक ये भी प्रिंसिपल रहता है कि कंटिन्यूअस हम क्या लाएं, इम्प्रूवमेंट लेकर के आए। देन फ्लेक्सिबिलिटी, सो फ्लेक्सिबिलिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देयर आर चांसेस। जैसे कोविड हुआ था, तो कोविड हुआ था तो वैसे तो अभी कैरेक्टरिस्टिक में आप पढ़ोगे कि इन्वेंट्री वगैरह को ये जीरो ही लेकर के चलता है, लेकिन वही है ना कि हम कितना प्रोडक्शन करें, किस हिसाब से डिमांड है, क्या चेंज आ रहा है एनवायरनमेंट में, क्या चेंज आ रहा है फैशन में, तो ये सारी की सारी चीज़ों को लेकर ही तो आपका प्रोडक्शन जो है वो इम्पैक्ट रहता है। तो अगर जो है प्रोडक्शन का सिस्टम ही फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो आप कैसे जो है वो मार्केट के साथ में कोऑपरेट कर पाओगे। सो दैट इज़ वाई लीन सिस्टम इस बात को भी ध्यान में रखता है कि जो भी प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो फ्लेक्सिबल भी रहे। दैट मीन्स हमें अगर उसमें कुछ चेंजेस चेंजेस करनी हो तो वो हम कर पाएँ। ठीक है, सो दीज आर द फोर प्रिंसिपल्स विच आर कंसिडर्ड बाई लीन लीन सिस्टम। सो मोस्ट ऑफ दीज एप्लीकेशन आर बेस्ड ऑन फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। तो ये जो भी हम टेक्निक्स लगाएंगे ना लीन सिस्टम की, उसके अंदर हम ये चारों के चारों प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखने के लिए मैं आपको एक वर्ड बता देती हूँ जिससे आपको ये चारों पॉइंट्स याद रहेंगे। तो आप लिख सकते हो अपनी बुक में दैट इज PWCF, या फिर आप कह सकते हो PWC फ्लेक्सिबल। ठीक है, तो पी का मतलब परफेक्ट फर्स्ट टाइम क्वालिटी, डब्ल्यू का मतलब वेस्ट मिनिमाइजेशन, सी का मतलब कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, एंड एफ का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी। सो इसको आप दो दो लाइन में आप लिख सकते हो अगर ये आपके क्वेश्चन पेपर में आता है। ठीक है ना, तो उससे क्या होगा ना कि अगर हेडिंग्स ठीक होंगी तो आपको चांसेस हैं अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर पार्ट में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट टॉक्स अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग। तो लीन मैन्युफैक्चरिंग की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, जो अभी हमने पढ़ा था वी लर्न अबाउट द प्रिंसिपल्स, दैट मीन्स हमें क्या सिद्धांत, ठीक है, क्या सिद्धांत ध्यान में रखने हैं ना। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब आप कह सकते हो कि उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं। वैसे फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन इन जनरल ये दोनों सेम ही होते हैं। तो मतलब कि अगर हम लीन सिस्टम लगाएंगे तो उसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या उसके अंदर आप कह सकते हो पॉइंट्स हैं, अगर हम लीन सिस्टम लगाएंगे उससे क्या क्या होगा। सो लीन सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ये है कि ये बोलता है कि हमें वेटिंग टाइम को जीरो कर देना है। अब ये वेटिंग टाइम कौन सा वाला है, ये वेटिंग टाइम ये वाला है, वेटिंग प्रोडक्ट्स वेटिंग ऑन द नेक्स्ट प्रोडक्शन स्टेप। तो ये वेटिंग टाइम को हमको जीरो कर देना है। अब ये कैसे कर देना है वो अभी हम पढ़ेंगे अलग अलग टेक्निक्स में। ठीक है, फिर उसके बाद में ये भी बोलता है कि आपको स्टॉक मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप स्टॉक मेंटेन करते हो तो उससे आपका स्पेस भी घिरता है, फिर देर आर चांसेस कि वो प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो जाए। जैसे कोविड आ गया था तो जिन लोगों का बहुत बहुत स्टॉक भरा हुआ था और वो स्टॉक खराब हो गया था, तो उससे उनको कितना लॉस हुआ था। तो इसलिए लीन सिस्टम की एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि बोलता है कोई स्टॉक मत रखो। देन पुल प्रोसेसिंग, तो पुल प्रोसेसिंग और जो आपका एक सेकेंड, ये शायद मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, एक सेकेंड को। ओके, तो मैंने आप लोगों को अभी तक पुल प्रोसेसिंग के बारे में और पुश प्रोसेसिंग के बारे में नहीं बताया है, तो इस वाले पॉइंट को अभी हम ड्यू रखते हैं। इसको हम लोग JIT के साथ में जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन। लीन सिस्टम ये बोलता है कि जैसे जैसे आपका डिमांड वगैरह आ रहा है उस हिसाब से आप प्रोडक्शन करते रहो, आप अलग से इन्वेंट्री वगैरह मेंटेन मत करो। तो एक तरह से यहाँ पे क्या होता है, कंटिन्यूअसली फ्लो होता रहता है प्रोडक्शन का और प्रोडक्शन के स्टेप्स का भी। फिर उसके बाद में कंटिन्यूअस फाइंडिंग वेज ऑफ रिड्यूसिंग प्रोसेस टाइम। तो ये जो लीन सिस्टम है ना, ये भी देखता है कि कैसे जो है हम प्रोसेस टाइम को रिड्यूस कर सकें। दैट मीन्स हम कम टाइम में उतना ही प्रोडक्शन या उससे ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक। अब इन कैरेक्टरिस्टिक को लर्न करने के लिए भी मैंने आपको एक वर्ड दे दिया है, दैट इज C2Z2P। अब देखो, प्रिंसिपल से मैंने आपको बता दिया PWCF और सी का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, तो C2Z2P। ठीक है, तो C2Z2P से क्या मतलब हो गया, ये दोनों पॉइंट्स आपके हो गए सी के, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, कंटिन्यूस फाइंडिंग वेज टू रिड्यूस प्रोसेस टाइम। देन ये हो गए जीरो वाले जेड से और पी से पुल प्रोसेसिंग।
ठीक है। अब पुल प्रोसेसिंग जो है वो जस्ट इन टाइम भी इसका दूसरा नाम है, तो पुल प्रोसेसिंग या फिर जस्ट इन टाइम को अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विद द टेक्निक्स ऑफ लीन सिस्टम। तो अगर हम अभी तक मोटा मोटा देखें जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, सो वी हैव लर्न्ड अभी तक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ लीन सिस्टम। फिर उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा कि क्या क्या वेस्ट हैं, कितने टाइप के वेस्ट हैं, ठीक है, टाइप ऑफ वेस्ट। उसके बाद में अब हम लोगों ने क्या पढ़ा, उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था टेक्निक्स के जस्ट नेम थे कि क्या क्या टेक्निक्स हैं लीन सिस्टम की। फिर हम लोगों ने पढ़े प्रिंसिपल्स ऑफ लीन सिस्टम, देन हम लोगों ने पढ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीन सिस्टम, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग, हमारे पास में 6 टेक्निक्स हैं लीन सिस्टम की, ये लीन सिस्टम हम कैसे कैसे लगाएं, तो उसके बारे में अब हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है पहले स्टार्ट कर रहे हैं जस्ट इन टाइम, जिसको आप बोल सकते हो पुल प्रोसेसिंग, ठीक है। अब पुल प्रोसेसिंग और पुश प्रोसेसिंग होता क्या है, इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। अब सपोज आपकी कोई कार की कंपनी है, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल वी हैव फॉक्स वैगन, ठीक है। अब यहाँ पर जो है दो सिस्टम होते हैं, एक आपका होता है पुश सिस्टम और एक आपका होता है पुल सिस्टम। मेरी हैंड राइटिंग में मत जाना, मैंने अभी तक कोई सेटअप नहीं लगा रखा है, लेकिन भगवान करे बहुत जल्दी नया सेटअप मैं लेकर आऊँ और सेट करूँ, बट तब तक जो है वो मैं टच पैड यूज़ कर रही हूँ लैपटॉप का, ठीक है ना, तो इसलिए मेरी हैंड राइटिंग ऐसे आ रही है, प्लीज़ मैनेज कर लेना, सुनते जाना जो मैं बोल रही हूँ। सो पुश सिस्टम एंड पुल सिस्टम। पुश सिस्टम क्या है, फॉक्स वैगन की कार आपको लेनी है। अब पुश सिस्टम तो ये है कि आप फॉक्स वैगन के शोरूम पे गए, वहाँ पे तरह तरह की कार्स थी। अब आपने क्या करा, आपने जो कार आपको पसंद आई उसके फीचर्स आपने जो आगे सेल्समैन थे उनसे पूछे, आपने टेस्ट ड्राइव ली और आपको जो पसंद आई कार आपने वो परचेज कर ली। सो दिस वॉज पुश सिस्टम। अब आ जाते हैं हम पुल सिस्टम। पुल सिस्टम में आपने क्या करा, आप फॉक्स वैगन की साइट पे गए और आपने वहां पर जो भी उनके कैटलॉग्स थे वो देखे, ठीक है। अब आपने बहुत सारी कार्स देख ली, उनके फीचर्स वगैरह देख ली, उसके बारे में अच्छे से सर्च कर लिया। नाउ व्हाट यू डिड, यू गेव एन ऑर्डर ऑफ अ पर्टिकुलर कार कि मुझे ये कार चाहिए, मुझे इसमें ये कलर चाहिए, मुझे ये फीचर्स की डिमांड है, और ऐसे करके आपने कार का ऑर्डर उस कैटलॉग को देख कर कर दिया, एंड देन फिर आपके पास में जो कार है वो आ गई। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आपने क्या किया था, यहाँ पर आप शोरूम पे गए थे, स्टॉक में से आपने चूज किया था। यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपके पास में कोई फिजिकल इन्वेंट्री नहीं है पुश सिस्टम में, सॉरी पुल सिस्टम में कोई फिजिकल इन्वेंट्री नहीं है, बल्कि आप क्या कर रहे हो, आप चूज कर रहे हो एंड आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से प्रोडक्शन के लिए वो चीज़ जा रही है एंड फिर आपको मिल रही है, ठीक है। जैसे आप डोसा खाने के लिए भी जाते हो, तो डोसा खाने के लिए भी व्हाट डू यू ऑप्ट फॉर पुल सिस्टम, दैट मीन्स आपको जैसा भी डोसा लेना होता है, आपको प्लेन डोसा लेना होता है, पनीर की स्टफिंग चाहिए, आलू की स्टफिंग चाहिए, जैसा भी चाहिए आप जो है वो ऑर्डर कर देते हो एंड आपके अकॉर्डिंग जो है वो प्रोडक्शन करके आपको दे दिया जाता है, राइट। सो दिस इज द पुल सिस्टम। तो यही जो है वो जस्ट इन टाइम में लगता है। तो जस्ट इन टाइम जो है वो एक ऐसी अप्रोच होती है। सो बेसिकली जो लीन सिस्टम है, क्योंकि ये इस पे फोकस करता है कि आपको इन्वेंट्री नहीं रखना है। अब इन्वेंट्री नहीं रखना है तो भाई कस्टमर को ऑप्शंस तो दोगे ही ना, तो ये एक तरह से ये जो है पुल सिस्टम को अडॉप्ट करता है, ठीक है। तो जस्ट इन टाइम अप्रोच भी यही है। जस्ट इन टाइम अप्रोच इज अ कलेक्शन ऑफ आइडियाज दैट स्ट्रीमलाइन अ कंपनीज प्रोडक्शन प्रोसेस एक्टिविटीज टू सच एन एक्सटेंट दैट वेस्टेज ऑफ ऑल काइंड, जैसे कि जो आपका टाइम का वेस्ट हो रहा है, मटेरियल वेस्ट हो रहा है, लेबर वेस्ट हो रहा है, इसको क्या करो, इसको मिनिमाइज कर दो, ठीक है। तो जस्ट इन टाइम अप्रोच इसी बात पे फोकस करता है कि कंपनी के प्रोडक्शन प्रोसेस को मैं कैसे स्ट्रीमलाइन करूं जिससे ये जो भी मेरा वेस्टेज हो रहा है ये क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए, ठीक है। अब जीआईटी जो है इसका डिसिसिव पॉजिटिव इंपैक्ट रहता है प्रोडक्ट की कॉस्ट पे भी। तो इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, यहाँ से जो है वो ऑब्जेक्टिव के बारे में है, लेकिन प्लीज इसको याद कर लो। जस्ट इन टाइम क्या है, जस्ट इन टाइम एक कैसी अप्रोच है, जस्ट इन टाइम एक ऐसी अप्रोच है जो कि स्ट्रीमलाइन कर देता है कंपनी के प्रोडक्शन प्रोसेस को इस एक्सटेंड तक कि जो भी वेस्टेजेस है वो मिनिमाइज हो जाते हैं। तो स्ट्रीमलाइन कर देता है कंपनी के प्रोडक्शन प्रोसेस को।
इसके ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? इसका ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि आप जो है वो प्रोड्यूस करो या फिर आप प्रोक्योर करो प्रोड्यूस करने के लिए कंपोनेंट जैसे भी वो कस्टमर ने रिक्वायर करे हैं फॉर यूज रादर देन फॉर स्टॉक। मतलब कि जैसा कस्टमर को चाहिए, जैसी कस्टमर की डिमांड है उसके हिसाब से प्रोडक्शन कर दो। जितनी डिमांड है उतना प्रोडक्शन कर दो, ज़्यादा मत करो कम मत करो, ठीक है। स्टॉक के लिए आपको नहीं रखना है, आपको जैसी डिमांड है उस हिसाब से प्रोडक्शन कर देना है। सो जस्ट इन टाइम सिस्टम पुल सिस्टम विच रिस्पॉन्स टू डिमांड इन कंट्रास्ट टू अ पुश सिस्टम। तो मैंने जैसे कि अभी आपको बताया पुश सिस्टम में इन्वेंट्री रखा जा रहा था, लेकिन पुल सिस्टम में इन्वेंट्री नहीं रखा जा रहा है, ठीक है। तो पुश सिस्टम में तो हम स्टॉक को बफर में रखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर जीआईटी में मतलब पुल सिस्टम में हम लोग क्या फोकस कर रहे हैं, डिमांड पे फोकस कर रहे हैं कस्टमर की, एंड उस अकॉर्डिंगली हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब ये जो जस्ट इन टाइम का कंसेप्ट है ना, ये दो कैटेगरीज में लग जाता है आपका, दो जगह लग जाता है, एक तो आपका प्रोडक्शन में और एक तो आपका परचेजिंग में। तो परचेजिंग में क्या मतलब हुआ, परचेजिंग में ये मतलब हुआ कि आप उतना ही रॉ मटेरियल खरीदो जितना आपको प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड है, और जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन में क्या है, आप उतना ही प्रोडक्शन करो जितने की आपको डिमांड है, जितने की जितने फिनिश प्रोडक्ट्स की आपको डिमांड है उतने की है आपको प्रोडक्शन करना है। और यहाँ ये बोलता है प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल तो चाहिए ना, और रॉ मटेरियल का भी आपको स्टॉक रखना नहीं है, तो ये बोलता है कि उतना ही रॉ मटेरियल खरीदो जितने के प्रोडक्शन की डिमांड है। सपोज लेट्स अगेन मूव टू द एग्जाम्पल ऑफ डोसा। डोसा में सपोज आपको दो डोसे अगर बनाने हैं, दो डोसों का आपको ऑर्डर है, तो आपको क्या करना है, आपको उन्हीं डोसे के अकॉर्डिंग ही आपको रॉ मटेरियल को कलेक्ट करना है, एंड जितने डिमांड है, जितने डोसा डिमांडेड है बाय द कस्टमर उतनी आपको प्रोड्यूस करनी है। तो जो भी उसमें पटेटो राइस वाटर जो भी चाहिए उतनी ही क्वांटिटी में लेकर आओ जितना आपको प्रोड्यूस करना है, एंड उतना ही प्रोड्यूस करो जितने की डिमांड है, ठीक है। तो ये आपका जेआईटी जो है ये दो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है, जेआईटी इन प्रोडक्शन एंड जेआईटी इन परचेसेस, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि ये जो है ये पुल सिस्टम पे काम करता है, ठीक है। अब जो है अब हम आते हैं कंप्लीट जेआईटी सिस्टम के ओवरव्यू पे, एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट। ये जो पूरा चार्ट दे रखा है इस पे हम लोग जो है फोकस करते हैं। तो इसमें ना ये जो प्रोसेसेस हैं ये आपके तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड है, ये वाले जो प्रोसेसेस हैं आपके सारे। तो इसमें क्या रहता है ना, इसमें आपका एक तो जो बात करता है वो ये बात करता है जेआईटी सिस्टम में रॉ मटेरियल के बारे में, दूसरा जो बात करता है वो बात करता है आपका वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में, और तीसरा प्रोसेस आपके बारे में। मतलब ये जेआईटी का ये पूरा जो ओवरव्यू है जेआईटी सिस्टम का, इसमें मैं आपको बता रही हूँ तीन पार्ट्स है, पहला रॉ मटेरियल का, दूसरा वर्क इन प्रोग्रेस का, तीसरा अकाउंटिंग सिस्टम का। तो अब हम लोग बारी बारी से डिस्कस करते हैं कि ये पॉइंट्स हैं क्या। तो ये पॉइंट्स आपको याद करने हैं और ये याद मैं करा देती हूँ आपको। तो पहले हम बात कर लेते हैं रॉ मटेरियल की। सो प्रोसेस दैट वास्टली रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल इज इन्वेंटरी एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ रिसीव्ड पार्ट्स। तो मतलब ये वाला जो प्रोसेस है, ये वाला जो प्रोसेस है ये इस बात पे फोकस करता है कि आप कैसे कम रॉ मटेरियल में इम्प्रूव्ड क्वालिटी के साथ में प्रोडक्शन कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, इसके लिए आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो ये जो आपका एक टॉपिक है ना, प्री रिक्विजिट्स या फिर आप कह सकते हो की फैक्टर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द जेआईटी सिस्टम, तो उसमें भी ये वाले पॉइंट्स जो हैं वो यूज हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें इन्होंने ये बोला है, टू बिगिन विद अ कंपनी मस्ट इंश्योर दैट इट रिसीव्स द प्रोडक्ट्स स्पेयर पार्ट्स और द मटेरियल्स फ्रॉम इट्स सप्लायर्स ऑन द एग्जैक्ट डेट इन एग्जैक्ट टाइम व्हेन दे आर नीडेड। मतलब इन्होंने ये बोला कि आपको प्रोडक्शन करना है आज, रॉ मटेरियल मिल रहा है कल, तो क्या उस बात का कोई सेंस है, कैसे करोगे प्रोडक्शन। तो इन्होंने ये बोला कि आप रिड्यूस तो कर रहे हो अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल, आप इन्वेंटरी तो मेंटेन नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर आप ये जेआईटी सिस्टम लगा रहे हो ना, तो एक बात का ध्यान रख लेना कि आपको जिस डेट को चाहिए उस डेट को आपको रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, और जिस टाइम पे चाहिए उस टाइम पे आपको अवेलेबल हो, ठीक है। सो फॉर दिस रीजन जो परचेजिंग स्टाफ है उसको ये इन्वेस्टिगेट कर लेना चाहिए कि जो भी सप्लायर है ना रॉ मटेरियल का, वो एलिमिनेट कर दे उन सप्लायर्स को, मतलब जो परचेजिंग स्टाफ है वो उन सप्लायर्स को एलिमिनेट कर दे जो टाइमली डिलीवरीज रॉ मटेरियल की नहीं पहुंचा पा रहे, ठीक है ना।
तो ये वाला जो पॉइंट है ये किस पे फोकस करता है कि रॉ मटेरियल जिस डेट पे चाहिए उस डेट पे मिल जाए, जिस टाइम पे चाहिए उस टाइम पे मिल जाए, और अगर नहीं दे रहा है तो उसको बोल दो भैया जयराम जी कि आप जाइए, आप हमें मटेरियल नहीं दे पा रहे, ठीक है। देन इन एडिशन डिलीवरी शुड बी सेंड स्ट्रेट टू द प्रोडक्शन फ्लोर फॉर इमीडिएट यूज इन मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स सो दैट देयर इज नो टाइम टू इंस्पेक्ट इनकमिंग पार्ट्स फॉर डिफेक्ट्स। अब इन्होंने ये बोला कि जो रॉ मटेरियल है ये जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ डायरेक्टली भेज दो, ठीक है, इंस्टेड की वो इधर उधर जा रहा है, आप उसको क्या करो, आप डायरेक्टली उसको वहीं भेज दो जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है। तो डिलीवरी शुड बी सेंड एग्जैक्टली वेयर द प्रोडक्शन इज गोइंग ऑन, प्रोडक्शन फ्लोर पे उसको भेज दो, ठीक है। देन इंस्टेड द इंजीनियरिंग स्टाफ मस्ट विजिट सप्लायर साइट एंड एग्जामिन देयर प्रोसेसेस नॉट ओनली टू सी इफ दे कैन रिलायबली शिप हाई क्वालिटी पार्ट्स बट ऑल्सो टू प्रोवाइड देम विद इंजीनियरिंग असिस्टेंस टू प्रोवाइड देम अप टू अ हायर स्टैंडर्ड और प्रोडक्ट। अब ये वाला जो पॉइंट है ये बोलता है कि क्वालिटी भी आपको मेंटेन करना है। ये वाला जो प्रोसेस है दो बातों पे फोकस कर रहा है ना, एक तो रिड्यूस करना अमाउंट और इम्प्रूव करना क्वालिटी। अब क्वालिटी अगर आपको इम्प्रूव करनी है तो उसके लिए आपको ये मेक श्योर करना चाहिए कि जो बंदा आपको रॉ मटेरियल दे रहा है उसने क्या क्वालिटी स्टैंडर्ड्स लगा रखे हैं। तो इस पॉइंट के लिए उन्होंने ये बोला कि JIT सिस्टम ये भी बोलता है कि जो इंजीनियरिंग स्टाफ है ना वो सप्लायर साइट्स को जाए और इनके प्रोसेस को एग्जामिन करे कि कैसे ये हमको मटीरियल दे रहे हैं, और उसके साथ उनको क्या करे, असिस्टेंस दे, हेल्प दे कि कैसे जो है वो हायर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट का आ सकता है, ठीक है। सो प्रोवाइड करे वो उनको असिस्टेंस जिससे जो है वो स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ पाए, ठीक है। फिर आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या बोलता है, एज सून एज सप्लायर सर्टिफाई फॉर देयर डिलीवरी एंड क्वालिटी द कंसर्न मस्ट इंस्टॉल अ सिस्टम विच मे बी एज सिंपलिस्टिक एज अ फैक्स मशीन और एज एडवांस एज एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज सिस्टम और लिंक्ड कंप्यूटर सिस्टम दैट टेल सप्लायर्स एग्जैक्टली हाउ मच ऑफ विच पार्ट्स आर टू बी सेंड टू द कंपनी। तो उन्होंने ये बोला कि जैसे ही सप्लायर जो है वो सर्टिफाई कर देते हैं फॉर देयर डिलीवरी एंड क्वालिटी, जैसे ही सप्लायर जो है वो ये बता देते हैं कि मतलब डील हो जाती है, वो सर्टिफाई कर देते हैं कि ठीक है हम आपको रॉ मटेरियल दे देंगे और हम आपको क्वालिटी का रॉ मटेरियल दे देंगे, तो जैसे ही बात सर्टिफाई हो जाती है वैसे ही एक कंपनी के अंदर क्या हो जाना चाहिए, एक सिस्टम इंस्टॉल हो जाना चाहिए। किस चीज़ का सिस्टम इंस्टॉल हो जाना चाहिए, जिससे कि जो सप्लायर है उनको ये पता लग जाए कि उनको कितनी क्वांटिटी में कौन सा पार्ट चाहिए, ठीक है। अब ये जो है अब इतने बड़े लेवल पे प्रोडक्शन हो रहा है तो आप हर चीज़ तो उनको मैन्युअली कैलकुलेट करके नहीं दे सकते ना, इसलिए देर इज़ JIT ने ये बोला कि ऐसा सिस्टम को इंस्टॉल कर लो जो कि या तो इतना सिंपल हो जैसे कि फैक्स मशीन होती है, या फिर इतना एडवांस्ड हो कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज सिस्टम हो, हर चीज़ बहुत प्रॉपरली हो जाए एंड प्रॉपर इंटरचेंज हो, मतलब उसमें प्रॉपर कनेक्टिविटी हो प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है, या लिंक्ड हो कंप्यूटर सिस्टम्स जिससे कि सारे के सारे, अब प्रोडक्शन के अंदर भी आप देख सकते हो ना इतनी लंबी चेन होती है तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, राइट। तो इसलिए सबके बीच में एक इंटरचेंज हो, एक इंटरलिंक्ड हो, और सप्लायर को पता लग पाए कि किस टाइम पे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और किस क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट है, तो उससे एग्जैक्ट क्वांटिटी पता लगेगी, कोई भी अननेसेसरी डिले नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद उनका लास्ट पॉइंट है जो बोलता है, ड्राइवर्स देन ब्रिंग स्मॉल डिलीवरीज ऑफ प्रोडक्ट टू द कंपनी पॉसिबली गोइंग टू द एक्सट्रीम ऑफ ड्रॉपिंग देम ऑफ एट द स्पेसिफिक मशीन्स दैट विल यूज देम फर्स्ट। तो उसमें इन्होंने ये बोला कि जो डिलीवरीज हैं वो स्मॉल स्मॉल क्वान्टिटीज में करो और एग्जैक्टली वहाँ पर कर दो जहाँ पे जो है वो मशीन है, ठीक है। तो स्मॉल स्मॉल लॉट्स में जो है वो आप डिलीवरी करो एंड एग्जैक्टली आप वहाँ कर दो जहाँ सिस्टम जो है वो इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट आपका क्या था, दीज पॉइंट्स आर रिलेटेड टू व्हाट, दीज पॉइंट्स आर रिलेटेड टू रॉ मटेरियल। हम किसकी बात कर रहे हैं, JIT सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो ये जो है पहला पॉइंट क्या बोलता है, एग्जैक्ट एग्जैक्ट टाइम पे सप्लायर को रॉ मटेरियल देना पड़े। दूसरा बोलता है कि प्रोडक्शन फ्लोर पे छोड़ाओ जो भी रॉ मटेरियल, डायरेक्ट प्रोडक्शन फ्लोर पे छोड़ाओ। देन थर्ड पॉइंट इन्होंने क्या बोला, इंजीनियरिंग स्टाफ क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए असिस्टेंस दे सकता है। फिर इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज सिस्टम के बारे में, और इसके बाद में इन्होंने बोला कि स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में आप डिलीवरी करो एंड आप वहीं एग्जैक्टली करो जहां पर जो है स्पेसिफिक मशीन जिस जो मटेरियल को यूज़ करेगी उस मशीन के पास जाकर ही आप उस रॉ मटेरियल को रख दो,
ठीक है, तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं, वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने JIT में इसकी डेफिनेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा कि स्ट्रीमलाइन करता है कंपनीज के प्रोडक्शन को, देन फिर हम लोगों ने पढ़ा ऑब्जेक्टिव के बारे में, उसके बाद में हम लोगों ने अब हम पढ़े हैं ओवरव्यू के बारे में। स्ट्रीमलाइन कर देता है कंपनी के प्रोडक्शन प्रोसेस को, फिर उसके बाद में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव पढ़ा, अब हम क्या पढ़े हैं, अब हम उसके बारे में रॉ मटेरियल वाला जो पोर्शन है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं वर्क इन प्रोग्रेस पे। तो ये वाला जो वर्क इन प्रोग्रेस है, यहाँ से मैं नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करती हूँ, ये हम लोग छोटे छोटे लॉट्स में करेंगे। ठीक है।